If tiger dates a rabbit, how it will be? मैं रोज इसी रास्ते से जाती, उसे देखकर मुझे मेरा बीता हुआ कल याद आता है। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी जिसका नाम है सरकारू वारी पाटा, और इस मूवी के हिंदी डब से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको हिंदी डब में कब और कहां देखने को मिलने वाली है, इस मूवी की रिलीज डेट क्या है। तो अगर आप भी सुपरस्टार महेश बाबू के फैन हो और सरकारू वारी पाटा मूवी के हिंदी डब में रिलीज होने का वेट कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सरकारू वारी पाटा एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसके लीड रोल में हमें सुपरस्टार महेश बाबू और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की कहानी आधारित है करप्शन पर, और स्पेशली बैंकिंग करप्शन को इस मूवी में दिखाया जाएगा और उजागर किया जाएगा कि किस तरह से बैंकों में करप्शन होता है और उससे किस तरह से आप बच सकते हैं। तो ये मूवी पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरपूर है जिसके अंदर हमें दमदार डायलॉग देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ महेश बाबू की जबरदस्त अदाकारी भी देखने को मिलेगी। और अगर बात करें इस मूवी के हिंदी डब की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कौन कौन इस मूवी को हिंदी डब में देखना चाहता है, और अगर ये मूवी हिंदी डब में नहीं रिलीज होती है तो आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देखोगे या नहीं देखोगे, या फिर हिंदी डब में रिलीज होने के बाद ही देखोगे, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी के हिंदी डब की तो इस मूवी के हिंदी डब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि पहले कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी कि इस मूवी को तेलुगु एंड तमिल के साथ साथ शायद हिंदी डब्ड में भी रिलीज कर दिया जाए, लेकिन फाइनली अब इन सारी खबरों पर विराम लग चुका है। और जो लोग भी इस मूवी के हिंदी डब में रिलीज होने की बातें कर रहे थे वो सारी की सारी न्यूज गलत थी। तो फाइनली अब इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज किया जा रहा है, और इस मूवी की रिलीज डेट में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। पहले इस मूवी को संक्रांति 2022 में रिलीज होना था, यानी जनवरी के महीने में रिलीज होना था, लेकिन ऑलरेडी इस मौके पर काफी सारी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, इस वजह से इस मूवी की रिलीज को कैंसिल कर दिया गया है, और अब ये मूवी हमें 1 अप्रैल 2022 को देखने को मिलेगी।